एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं हमारा वीडियो चैनल। और आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे चैनल पर रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी कोई ऐसी रेमेडी बनाइए जो इंस्टेंटली फेयर करे, इंस्टेंटली हमको ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करे। जैसे कि हम कभी भी पार्टी में जाने से पहले या कहीं भी किसी फंक्शन में जाने से पहले हम उस रेमेडी को यूज करें और हमारा जो कलर है तुरंत ही तुरंत एक से दो शेड ब्राइट हो जाए, हमारा कलर कॉम्प्लेक्शन जो है लाइट हो जाए। तो आज की जो रेमेडी है आप लोगों के लिए, अगर आपको भी ऐसा लगता है जब भी आप कहीं पार्टी में जाने के लिए आपको अचानक से पता चलता है, जैसे कि मेरे साथ हमेशा यही होता है, अगर हमको किसी पार्टी में जाना होता है तो मेरे हस्बैंड को अचानक से याद आती है कि बीवी को भी बता देते हैं, तब वो मुझे उस समय आपके चेहरे की कैसी हालत है वो आप ही समझ सकते हो और आपको अपनी स्किन को कैसे ग्लोइंग बनाना है ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर ऐसा, अगर आप चाहते हो कि अचानक से आपको कोई चीज पता चले और आपको एकदम से आधे घंटे एक घंटे के अंदर अपनी स्किन को बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग बनाना है, फ्लॉलेस बनाना है, तो आज की जो रेमेडी है 100% आप लोगों के लिए है। और ये रेमेडी जो है बहुत ही ज्यादा नेचुरल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव भी है साथ साथ। और आपके स्किन को एक बार यूज करने से मैं बोल सकती हूँ, जैसे मैं अपने किसी वीडियो में नहीं बोलती हूँ कि स्टेंटली फेयरनेस के बारे में, लेकिन आज की रेमेडी है ये कुछ ऐसी कि ये आपको इंस्टेंटली ग्लोइंग एंड फेयर स्किन देगी। इंस्टेंटली आपको एक बार में इसका रिजल्ट मिलेगा, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आप लोगों को उसी तरीके से यूज करने और वही सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज करने। अगर इस रेमेडी को यूज करने के बाद आप पार्टी में जाते हैं और ये रेमेडी जो है आपके स्किन को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ना बना दे पार्टी का, तो आप मुझे कहिएगा। रेमेडी ने गाइस एक बार में आपके स्किन पे इतना अच्छा रिजल्ट देगी कि आप खुद कहीं भी शादी पार्टी में जाने से पहले उस रेमेडी को यूज करना पसंद करेंगे। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, आप खुद इस रेमेडी को ट्राई करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। इसके रिजल्ट का इंतजार आपको एक महीने दो महीने तक नहीं करना पड़ेगा, इसका रिजल्ट आपको मात्र आधे घंटे में खुद मिलेगा और आप खुद चौंक जाएंगे अपनी स्किन को देखकर। और खुद अगर आप पार्टी में गए और चार लोग आपको टोके लेंगे कि आपने क्या अपने चेहरे पे करना। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोलती हूँ, मेरे चैनल पे आपको इंस्टेंटली रिजल्ट भी देखने को मिलता है। सो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, आपके बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं और आपका बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपके स्किन को बहुत ही ज्यादा पैम्पर कर सकता है, आपके स्किन को बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग ब्राइट एंड क्लियर बना सकता है। सो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस बहुत सारी बातों तो चलिए गाइस हम अपनी रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। और इस रेमेडी को बनाने के लिए जो हमको फर्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए वो है खसखस, इसको पॉपी सीड्स भी कहा जाता है। आपकी किचन में जरूर ये होगा ही होगा, अगर नहीं है तो नॉर्मल आप मार्केट से किसी भी ग्रॉसरी शॉप से ले सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। और 50 ग्राम खसखस जो है सिर्फ 65 रुपये का आया है, सो हमें बस एक चम्मच खसखस चाहिए इसमें। तो आप देख सकते हैं खसखस देखने में कुछ ऐसा होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं इसके, एकदम राई की तरह बिल्कुल छोटे छोटे दाने होते हैं इसके। और इसमें फाइबर होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, फैट होता है, आयरन होता है और फॉलोरेट होता है। ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, आपकी स्किन को अंदर से क्लीन करता है, एकदम डीप क्लीन करता है और आपकी स्किन को इंस्टेंटली फेयर भी बनाता है। खसखस में एंटीऑक्सीडेंट एंड मिनरल की भरपूर मात्रा होती है एंड इसको ड्राई फ्रूट्स का कज़न भी कहा जाता है। एंड इसमें सेकंड इंग्रेडिएंट जो हमने ऐड किया है वो है ओरिजिनल एलोवेरा जेल, जिसको मैंने उसका जेल निकाल दिया था। इन सभी को हमें मिक्सर में अभी ग्राइंड करना है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से जेल निकाला और इसको मैंने मिक्स नहीं किया है अच्छे से। एंड एलोवेरा के कितने फ़ायदे होते हैं ये मैं आपको बहुत से वीडियोस में बता चुकी हूँ, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज प्रोवाइड करता है एलोवेरा जो है, हमारे स्किन में हो रहे किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है और इसको वंडर प्लांट भी कहा जाता है। और थर्ड इंग्रेडिएंट्स जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो है ब्रेड के कुछ स्लाइस, जो आप नॉर्मल घर में ब्रेड यूज़ करते हैं ना, आप वही ब्रेड इसमें यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड हमारी स्किन को फेयर भी बनाता है, साथ साथ इस फेस पैक में वो बेस का भी काम करेगा। अगर आपके पास ब्रेड ना हो तो आप बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें फोर्थ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, वो है 2 पिंच हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर यानी कि। अगर आपने घर में पीस के हल्दी बनाई है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर वाइल्ड टर्मरिक या फिर कस्तूरी हल्दी या ऑर्गेनिक हल्दी यूज़ कर सकते हैं। जो पैकेट वाली हल्दी आती है कुकिंग के लिए वो आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते। अब हम इसमें ऐड करेंगे रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध हम इसमें ऐड करेंगे और अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। अब हमें एक स्मूथ पेस्ट चाहिए, जिसके लिए हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। एंड हमने सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था और आप देख सकते हैं ये जो फेस पैक है वो कितना ज़्यादा स्मूथ बना है एंड कितना ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर है इसका।
इसे अपने फेस पे यूज़ करने से पहले सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है, ताकि आपके फेस पे कोई भी कॉस्मेटिक, कोई भी धूल मिट्टी पॉल्यूशन कुछ भी ना हो, आपका फेस अच्छी तरीके से क्लीन हो। और फिर उसके बाद अपने पूरे फेस पे, नेक एरिया पे आपको इसे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेना है, और आपको इसे कम से कम 30 मिनट तक रखना है। वैसे इससे कम भी आप रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन ग्लोइंग होगी, लेकिन अगर आप 30 मिनट तक रखते हैं इसे तो आपकी स्किन सुपर डुपर ब्राइट हो जाएगी। और आप देख सकते हैं मैंने इसे अपने पूरे फेस पे और नेक एरिया पे लगा दिया, और अब इसे 30 मिनट तक हमें ऐसे ही लगे रहने देना है। और जो बचा हुआ रेमेडी है वो मैं अपने हाथों पे अच्छी तरीके से यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है, और इसका जो रिज़ल्ट है वो तो ऑसम आता है, जो आपको इसी वीडियो में अभी देखने को मिलेगा और आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो इसे अच्छी तरीके से हाथों पे मैं अभी अप्लाई कर, आप इसे अपने फेस एंड पूरी बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस रेमेडी को डेली यूज़ करना चाहते हैं तो आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं। बस याद रखिएगा कि आप अगर डेली यूज़ करते हैं तो आप इसको स्क्रब की फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकते, नॉर्मल लगाइएगा अपने फेस पे फेस मास्क की तरह और क्लीन कर दीजिएगा। मुझे इस फेस मास्क को लगाए 30 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से मेरे फेस और हाथों पर ड्राई हो चुका है। अब 30 मिनट हो चुके हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने फेस पे पानी लगाकर, अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही नॉर्मल थोड़ा सा पानी हाथों से लगाकर और इसको 5 मिनट तक जेंटली अपने फेस को अच्छी तरीके से मसाज कीजिएगा। आपको जेंटली मसाज करना है, ऐसा नहीं कि आप बहुत रगड़ रगड़ के करें, फेस पे, नेक एरिया पे, हाथों पे, जहाँ पे भी आपने यूज़ किया है उसके बाद हल्का सा पानी लगाकर अच्छी तरीके से मसाज कीजिए, कम से कम 5 मिनट तक, 5 से 8 मिनट तक, इससे ज़्यादा मसाज मत कीजिएगा। और उसके बाद क्लीन वाटर से, यानी कि नॉर्मल क्लीन वाटर से अपने फेस को क्लीन कर लीजिएगा। साबुन का यूज़ मत कीजिएगा, तुरंत आधे घंटे बाद साबुन यूज़ कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल पानी से अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया, और फर्स्ट टाइम में ही आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। नहीं, रेमेडी थोड़ा बहुत मेरे बालों में फंस गई थी फेस को क्लीन करते समय, तो मैं वही निकाल रही हूँ, और इसका रिजल्ट जो है बहुत ही ज़्यादा ऑसम आता है। सो बिफोर एंड आफ्टर आप खुद कंपेरिजन कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी अब। सो इस रेमेडी को यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपना प्यारे प्यारे फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, मैं इंतजार करती हूँ हमेशा। तो आप लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दीदी अनवांटेड हेयर के लिए, कुछ अनचाहे बालों के लिए रेमेडी बनाइए, जो हमारे स्किन पे बाल हो रखे हैं उनको निकालने के लिए, तो उसके लिए रेमेडी मैंने कल पब्लिश कर दी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो इस वीडियो के लास्ट में मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को, सो वहां से आप लोग उसको चेक जरूर कर लीजिएगा। उस वीडियो को बहुत ही ज्यादा आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, उस पर मैंने वो वीडियो बनाया, साथ साथ वो ऐसी रेमेडी है उसको अगर आप यूज करेंगे तो आपकी स्किन परमानेंटली जो होता है ना, 1 मंथ का चैलेंज है उसमें, 4 वीक का चैलेंज है कि 4 वीक में आपकी स्किन परमानेंटली ग्लोइंग हो जाएगी, पिंक हो जाएगी, साथ साथ आपकी जो स्किन है हमेशा के लिए पिंक हो जाएगी। तो ऐसी रेमेडी मैंने आप लोगों को बना के दी है, तो उस वीडियो को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग भूल जाते हो तो मुझे याद दिलाना पड़ता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।